बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 10th लेक्चर इन एडवांस्ड टॉपिक्स इन चेंज मैनेजमेंट। टुडे अगेन वी विल टॉक अबाउट कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। एज लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग दिस कंपनी एज अ केस स्टडी टू अंडरस्टैंड हाउ द एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी अफेक्ट्स इट्स रूटीन्स एंड अफेक्ट्स इट्स स्ट्रक्चर्स और हाउ द एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी फोर्सेस अ कंपनी टू चेंज स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि इंडियन आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं या इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है उसने ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड और सो बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है वो अब एक हॉट डेस्टिनेशन है या इंडिया एज सच एक हॉट डेस्टिनेशन है। अगर आप आईटी से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, जहाँ आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहते हैं, जहाँ कोई आप डेटाबेस डेवलप कराना चाहते हैं, तो इंडिया आजकल एक हॉट डेस्टिनेशन समझी जाती है। क्यों एक हॉट डेस्टिनेशन समझी जाती है? एक तो उनकी स्ट्रेंथ, उनके आईटी प्रोफेशनल्स हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जिक्र भी किया कि इंडिया में कोई अराउंड अबाउट एक साल में 4 लाख आईटी प्रोफेशनल्स इंडियन इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। अब ये 4 लाख आईटी प्रोफेशनल्स लगती तो बहुत बड़ी तादाद है और लगता तो ऐसा ही है कि शायद इन 4 लाख आईटी प्रोफेशनल्स अगर हर साल प्रोड्यूस होते हैं तो इनको कोई नौकरी भी मिलती होगी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन आईटी टैलेंट जो है वो वर्ल्ड ओवर सॉट आफ्टर है। वे दुनिया भर की कंपनीज जो हैं वो इंडियन एम्प्लॉयज़ या इंडियन वर्कर्स को या इंडियन आईटी स्पेशलिस्ट को हायर करना चाहती हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि कंपनीज लाइक एक्वेंचर, ईडीएस एंड आईबीएम, उनकी 2002 या अर्ली 2000 में अगर इंडिया में उनके एम्प्लॉयज़ चंद सौ एम्प्लॉयज़ थे तो आज उनकी तादाद हज़ारों में है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आईबीएम जो 2004 में सिर्फ 9,000 एम्प्लॉयज़ थे, वो बढ़ के अब कोई 32,000 एम्प्लॉयज़ इंडियन आईटी वर्कर्स आईबीएम के लिए काम करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में आप देखिए कि इंडियन वर्कर्स या इंडियन आईटी स्पेशलिस्ट दुनिया भर में डिफरेंट कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं और उनकी एक बड़ी डिमांड है। ठीक है, शायद इंडियन आईटी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही बेहतर हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ से, जो शायद उसकी रीज़न ये है कि शायद उनकी किस्मत अच्छी है, जो उनकी बड़ी डिमांड है, कोई रीज़न वो शायद हमसे आगे हैं, शायद उनकी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेहतर तौर पे आईटी सिलेबस कवर करती हैं, ज़्यादा बेहतर तौर पे टेक्नोलॉजीज सिखाती हैं। लेकिन कोई भी रीज़न है, लेकिन इंडियन आईटी वर्कर्स की डिमांड दुनिया भर में, जहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज, जहाँ दुनिया भर की कंपनीज इंडियन एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहती हैं, इन पर्टिकुलर इंडियन आईटी वर्कर्स को हायर करना चाहती हैं, वहाँ पे हमने ये भी देखा है कि इंडिया में बजाते खुद बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज क्रिएट हो चुकी हैं, जिनमें से एक ये कॉग्निजेंट है। ठीक है, कॉग्निजेंट जो है वन ऑफ दी टीयर वन इंडियन कंपनीज है, जिनका सालाना रेवेन्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है और जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत हाई है। अब हम बात कर रहे थे कि जी कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री का सिनेरियो क्या है और इन पर्टिकुलर हमने देखा कि Y2K प्रॉब्लम की वजह से और Y2K प्रॉब्लम की वजह से इंडियन कंपनीज को ये मौका मिला जहाँ उनका इंटरेक्शन विद US कॉरपोरेशंस इंक्रीज हुआ और उनने बेहतर तौर पे Y2K के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए US कॉरपोरेशंस को, जिसके नतीजे में उनको US मार्केट्स में एंटर होने का मौका मिला और उनमें से बहुत सारी कंपनीज ने इसका फ़ायदा उठाया और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद US कॉरपोरेशंस डेवलप की। इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या था? इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का फ़ायदा यह है कि अब देर से रिपीट बिजनेस, ठीक है, उनको अगेन एंड अगेन उनको प्रोजेक्ट्स US कंपनीज दे रही हैं और इंडियन कंपनी सॉफ्टवेयर डेटाबेसिस डेवलप करके वापस US कंपनीज को दे रही। ठीक है, अब देखिए इनमें से कॉग्निजेंट जो थी उसकी फिलॉसफी दूसरी इंडियन कंपनी से बहुत डिफरेंट थी। जहाँ पे दूसरी इंडियन कंपनीज जो हैं वो US मार्केट्स को जियोग्राफिक बेसिस पे डिवाइड कर रही थी या सेगमेंट कर रही थी, फॉर एग्जांपल ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट,
नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वॉट एवर, इन्होंने इंडस्ट्री की बेसिस पे यूएस मार्केट्स को सेगमेंट किया। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी उनको इन्होंने कहा प्राइमरी वर्टिकल्स, लाइक फाइनेंशियल सेक्टर, लाइक हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है, और जो लेस इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी उनको इन्होंने कहा सेकेंडरी सेकेंडरी वर्टिकल्स, ठीक है, लाइक मीडिया एंड टेलीकॉम। एंड अगेन उन्होंने इन वर्टिकल्स को कुछ हॉरिजेंटल्स के थ्रू सपोर्ट किया। हॉरिजेंटल वो डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स थे जो कि आईटी की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ईआरपी सॉल्यूशंस पे बेस्ड एक अपना डिपार्टमेंट था, डेटाबेसेस डेवलपर्स का अपना डिपार्टमेंट था, जावा प्रोग्रामर्स का अपना डिपार्टमेंट था, सी प्रोग्रामर्स का अपना डिपार्टमेंट था। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज किया। देन उनकी एक जो मेजर फिलॉसफी थी कॉग्निजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या थी कि दे वांटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड रिपीट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इस चीज़ से उन्होंने किस तरह फ़ायदा उठाया, इस चीज़ से उन्होंने इस तरह फ़ायदा उठाया कि उन्होंने ये किया कि ऑन साइट क्लाइंट को टीम्स प्रोवाइड की जो कि क्लाइंट्स की बिजनेस नीड्स को आइडेंटिफाई करती थी, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस था। क्लाइंट्स की बिजनेस नीड्स चेंज होती हैं, जब समझते थे कि चेंज ज़रूरी है तो उस चेंज को सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किया जाता था, और एक बेहतर सॉफ्टवेयर या एक बेहतर सॉल्यूशन क्लाइंट की आईटी नीड्स के मुताबिक उसको प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। इसका फ़ायदा यह हुआ कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो थे वो कॉग्निजेंट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, और इस सेटिस्फेक्शन की वजह से कॉग्निजेंट के उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स डिवेलप हो चुके थे या डिवेलप हो रहे थे। अब अपने इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए उन्होंने फिलॉसफी जो ऑन साइट टीम और ऑफशोर टीम की जो फिलॉसफी अपनाई, इसको इस मैकेनिज्म को उन्होंने नाम दिया टू इन अ बॉक्स। अब हम ये देखते हैं ये टू इन अ बॉक्स सिस्टम क्या है, और टू इन अ बॉक्स सिस्टम ने कॉग्निजेंट की को कैसे इफ़ेक्ट किया जाए, कॉग्निजेंट को कैसे चेंज किया जाए, कॉग्निजेंट की ये फिलॉसफी उसके लिए कैसे सूदमंद साबित हुई। देखिए टू इन बॉक्स सिस्टम ये था कि एक ये रिलेशनशिप सिस्टम था जिसमें कि ऑन साइट क्लाइंट को मैनेज करने के लिए एक टीम डेडिकेट की जाती थी, और उस टीम वो टीम एक ऑफशोर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करती थी, और ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन डेवलप करते थे। और कॉग्निजेंट की फिलॉसफी में उनका ये ख्याल था कि ये टू इन अ बॉक्स का जो सिस्टम है डेथ बाय डिस्टेंस की जो एक उन पे डेथ बाय डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्शन जनरली यूएस कंपनीज रेज करती थीं, उस ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के लिए हमने डेवलप किया है। डेथ बाय डिस्टेंस का क्या मतलब है कि जनाब देखिए कि एक कंपनी अगर इंडिया में सिचुएटेड है और एक कंपनी यूएस में सिचुएटेड है, तो यूएस कंपनीज को ये फीलिंग होती थी कि इंडिया में बैठे हुए देयर इज़ अ डिस्टेंस, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि आसानी से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आसानी से हम आपको विजिट नहीं कर सकते, आसानी से हम आपको चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं करा सकते। तो दिस इज़ और इसको इस सिचुएशन को कहते थे डेथ बाय डिस्टेंस, कि इतना ज़्यादा हमारे दरमियान डिस्टेंस है कि अल्टीमेटली हम आपसे बिजनेस करना या हम एक कामयाब बिजनेस करना आपके साथ मुश्किल है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दे इंट्रोड्यूस अ TIB मॉडल और टू इन अ बॉक्स, और वो कहते हैं ये मॉडल जो है इसका मकसद ये है कि क्लाइंट और डेवलपर के दरमियान एक ओपन कम्युनिकेशन का माहौल क्रिएट किया जाए और इस चैलेंज को डेथ बाय डिस्टेंस के चैलेंज को ओवरकम किया जाए। देखिए कॉग्निजेंट जो है उनका उनका ख्याल था कि इन आर इंडस्ट्री द कंसल्टिंग फर्म और सिस्टम इंटीग्रेटर विल गो थ्रू इट प्रोसेसेस, क्रूडली पुट डिज़ाइनिंग डेवलपिंग रोलिंग आउट मेंटेनिंग एनहांसिंग अ सिस्टम। देखिए कॉग्निजेंट वाले क्या कह रहे हैं, कॉग्निजेंट वाले कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोसेस है वो कुछ इस किस्म का है कि वी डिज़ाइन वी डिवेलप वी रोल आउट वी मेंटेन एंड वी एनहांस अ IT सोल्यूशन। The client has a whole stack of things that needs to be coordinated to solve their business problem. The client is not just dealing with the system issues, but with the strategy, their organization, their processes, applications and data infrastructure. अब देखो कहते हैं कि क्लाइंट जो है वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करता, या सॉफ्टवेयर ही उसका बिजनेस नहीं होता, उसको तो वो एज अ टूल यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए।
ठीक है, या जो यूएस कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जिनका आईटी एज सच बिजनेस नहीं है लेकिन वो आईटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो किस लिए आईटी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? वो आईटी की टेक्नोलॉजी को इसलिए इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि बिजनेस को बेहतर तौर पे सर अंजाम दिया जा सके। वो चाहते हैं कि ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड की जाए कस्टमर्स को, जहाँ जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाया जाए, कोई भी रीज़न हो वो ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो बेहतर कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं अपने डिफरेंट सिस्टम्स को, जब वो ऐसी कैड कैम की टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, किसी भी रीजंस की वजह से अगर वो ये बिजनेसेस जो हैं वो आईटी का यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेसेस को मज़ीद बेहतर करने के लिए या बिजनेस के प्रोसेसेस को आसान करने के लिए आईटी की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आईटी उनका कोई बिजनेस नहीं है, उनका बिजनेस कुछ और है, दे आर मच बॉदर्ड अबाउट अदर प्रोसेसेस ऑफ द बिजनेस। तो अगर एक बेहतर ऑन साइट टीम प्रोवाइड की जाए जो उनके दूसरे प्रोसेसेस का भी जायज़ा लेके उनकी नीड्स को बेहतर तौर पे आइडेंटिफाई कर सके, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि बेहतर सोल्यूशन जब आईटी टेक्नोलॉजी जब बेहतर आईटी टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स प्रोवाइड की जा सकती है। इसीलिए कॉग्निजेंट केम अप विद अ फिलॉसफी विच दे टर्म्ड एज टू इन अ बॉक्स। देखिए specifically Cognizant executives argued that most of the offshore IT service delivery industry suffer from one or two defective practices. The first one was pass the baton, involved handling of project management from one individual in the vendor organization to another as the project progressed. Clients disliked the rotation of vendor counterparts, which reduced the continuity of vendor knowledge of both the project and client. The second practice of projects thrown over the wall referred to arm's length relationship between the vendors, project delivery manager and the client, with decision making shifted offshore and only occasional visits by senior project managers to the client site. Customers found it difficult to assess project progress at any given time, and vendors found it hard to remain informed about client needs as they evolved. देखिए Cognizant का जो अपना एक evaluation था, जहाँ उनका अपना एक ख्याल क्या था कि जनरली आईटी इंडस्ट्री में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम्स ये है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो वो एक पर्टिकुलर मैनेजर से या एक पर्टिकुलर टीम से दूसरी टीम को पास ऑन कर दिया जाता है। अब जब ये पास ऑन हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर क्लाइंट से रब्ता करना पड़े तो जो नई टीम होती है उसको ये नहीं पता होता कि प्रीवियस टीम ने क्लाइंट से क्या बात की है या प्रीवियस टीम ने प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई किया है। तो दिस क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन गैप एंड दिस इज़ अ थिंग विच इज़ हेटेड बाय द क्लाइंट्स। जो कस्टमर्स हैं वो इस चीज़ को ना पसंद करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप देखिए आजकल बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, लेट्स से आप बैंकिंग करना चाहते हैं, आप टेलीफोन बैंकिंग करना चाहते हैं, आप अपने बैंक को फ़ोन करते हैं, एक पर्टिकुलर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेड आपकी कॉल सुनता है, आप उसको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि वो आपकी प्रॉब्लम को हल करें टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप फिर से रिंग करते, कोई और कस्टमर सर्विस ऑपरेटर जो है आपकी फ़ोन उठाता है, वो आपसे फिर सारी कहानी पूछना चाहता है और फिर आएँ दाएँ बाएँ शाएँ मार के कोई आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो दिस मे क्रिएट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आप अगेन एंड अगेन टेलीफोन करते हैं, एवरी टाइम यू रिंग देयर इज़ अ डिफरेंट पर्सन यू हैव टू कॉन्टैक्ट and then again you have to explain to them everything again and again. So this basically frustrates the customers. तो यही कुछ आई टी इंडस्ट्री की भी इन्वायरमेंट थी कि क्लाइंट को जब भी कोई प्रोग्रेस के बारे में चेक करना होता था या कोई प्रॉब्लम्स इंटीमेट करनी होती थी तो दे हैव टू कॉन्टैक्ट अ न्यू मेम्बर ऑफ द टीम एंड दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन अ सेंस दैट क्लाइंट्स फेस्ड और क्लाइंट्स फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड कि उनको सही बेहतर तौर पर उनको सोल्यूशंस या बेहतर तौर पे उनसे बातचीत नहीं की जा रही, जाए कम्युनिकेशन गैप है। इसके साथ साथ कुछ वेंडर्स की फिलॉसफी क्या थी या कुछ वेंडर्स किस तरह ऑपरेट कर रहे थे कि वो एक आर्म डिस्टेंस रखते थे। वंस उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया, वंस सारी स्पेसिफिकेशंस तय हो गई तो उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते थे और क्लाइंट को इन्फॉर्म नहीं करते थे कि प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। ठीक है, द क्लाइंट्स को वो इन कॉन्फिडेंस नहीं लेते थे। कभी कभार
जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे वो क्लाइंट को विजिट करते थे और प्रोग्रेस डिस्कस करते थे, ठीक है। जब कभी कभार जो क्लाइंट्स थे उनके कुछ जो उनके जो मैनेजर्स थे वो आके विजिट करते थे और देखते थे कि जी के क्या प्रोग्रेस हो रहा है, जहाँ सॉल्यूशंस क्या डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन देयर यूज़ टू बी अ पॉलिसी ऑफ आर्म्स लेंथ, और वो डेवलप करके पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करके क्लाइंट को डिलीवर कर देते थे। अब एक क्लाइंट की प्रॉब्लम है कि वो सॉफ्टवेयर काम करता है या नहीं करता, जब सॉफ्टवेयर वर्क करता है या नहीं करता, दिस हैज नथिंग टू डू विद द वेंडर, ठीक है। जिसकी वजह से जनरली जो क्लाइंट्स हैं दे फील डिससेटिस्फाइड। अगर आपने लाखों रुपए लगाए हैं, अगर आपने मिलियंस स्पेंड किए हैं और सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, जब सॉफ्टवेयर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जब सॉफ्टवेयर डिफिकल्ट टू ऑपरेट है, तो देन दिस क्रिएट्स अ फ्रस्ट्रेशन अमंग द क्लाइंट्स, ठीक है। अब एज अ नेचुरल रिजल्ट नेक्स्ट टाइम वो आपको अवॉइड करेंगे। स्पेसिफिकली इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसका सोल्यूशन जो था वो कॉग्निजेंट ने ये ढूंढा कि जनाब हम टू इन वन की फिलॉसफी लेके आएंगे। बिकॉज दीज सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस जो थे, दे यूज टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फेल्ड रिलेशनशिप्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड मिस मैच एक्सपेक्टेशन। कॉग्निजेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द आउटसेट परस्यूड अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच दैट सॉ द डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्रेमवर्क सच एज ट्रांसफॉर्म वी परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाइल परफॉर्म एंड द इंडस्ट्री फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग वर्टिकल्स। TIB बिकेम द क्लाइंट इंटरफेस मॉडल दैट अमंग अदर थिंग्स प्रिजर्व द कॉन्टिन्यूटी ऑफ क्लाइंट फेसिंग पर्सनल फ्रॉम प्री सेल थ्रू द डिलीवरी ऑफ प्रोसेस। जब वो एक ऑन साइट टीम क्रिएट कर देते थे, उसका फ़ायदा क्या था कि प्री सेल से लेके डिलीवरी तक वही टीम क्लाइंट की प्रेमिसेस पे रहती थी और इफेक्टिवली सारी चीज़ों को हैंडल करती थी और उनको इम्प्लीमेंट करती थी, और यही उनकी फिलॉसफी थी। क्योंकि राज मेहता जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था ग्लोबल सर्विसेज का, उसने कहा जी विद टाइम इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो हैं, जो इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलप जो हो रहा है वो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और अदर चीप डेस्टिनेशंस डेवलप होने के चांसेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल चाइना में शायद मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा लेस कॉस्टली सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सके। ब्राज़ील फॉर एग्जांपल जो कि एक अपकमिंग डेस्टिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टेक्नोलॉजीज, ईस्टर्न यूरोप फॉर एग्जांपल, तो क्या है कि ये कम्पिटिटिव एडवांटेज तो विद टाइम ख़त्म हो जाएगा। आज जो इंडिया को एक कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है कि लेस कॉस्टली सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो ये कम्पिटिटिव एडवांटेज तो विद टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आपने कम्पीट करना है, अगर इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने कम्पीट करना है, तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न हो सकती है, तो वो एक ही बेसिस पे किया जा सकता है कि आप वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसलिए जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, जो फिलॉसफी लेके आए, वो उनकी वैल्यू एडेड फिलॉसफी के एन मुताबिक हैं, जब वो उनकी इस ऑब्जेक्टिव के एन मुताबिक हैं कि वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग यू सॉफ्टवेयर्स, we are adding value to your processes, ठीक है। अब TIB कैसे काम करता है, ठीक है, वो कहता है जी TIB कैसे काम करता है। देखिए जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया बिटवीन द वेंडर एंड द क्लाइंट, TIB स्प्रिंग्स इन टू एक्शन। कॉग्निजेंट असाइंस ऑन साइट रिलेशनशिप मैनेजमेंट टीम विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बैकग्राउंड दैट वर्क्स एट द क्लाइंट प्लेस ऑफ बिजनेस। Our team leader, the client partner CP, works at the customer location and absorbs the client culture, operating processes, challenges, and business goals. The CP nurtures deep relationship with the client key stakeholders and their management. Importantly, he becomes part of the client inner circle, working closely with senior managers of IT management team on strategic planning. The CP is empowered to make executive decisions that help the client obtain further business advantage from his partnership with Cognizant. देखो जैसे अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि TIB मॉडल जो है वो Cognizant का TIB मॉडल ऑपरेट कैसे करता है। देखिए हम कह रहे हैं कि वंस जबकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता था, तो होता ये था कि जी के जो ऑन साइट टीम डेडिकेटेड टीम असाइन की जाती थी और वहाँ पे उसको एक जो बंदा मैनेज करता था उस टीम को, उसको क्लाइंट पार्टनर जो CP कहा जाता था। अब ये CP जो है वो क्लाइंट के कल्चर से वाकफियत हासिल करता था, उनके ऑपरेटिंग प्रोसेस से वाकफियत हासिल करता था, उनके चैलेंजेस और बिजनेस गोल्स को समझता था और एक क्लोज रिलेशनशिप विद द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट
एंड जो उनके की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती थी। अब सीपी एम्पावर्ड होता था कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है और क्लाइंट्स की नीड अगर चेंज होती है तो वो डिसीजंस ले सकता है कि सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस की जा सकती हैं। देखिए सीपी इन रिटर्न एक डिलीवरी मैनेजर के साथ जो कि ऑफशोर जो कि इंडिया में बैठा हुआ है और एक टीम को लीड कर रहा है जो कि क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, उसके साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और उसको वो कहते थे डिलीवरी मैनेजर और डीएम। अब सीपी एंड डीएम वर द टू इन द बॉक्स, वो कहते हैं ये दो लोग थे जिनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरत था, एक सीपी जो कि क्लाइंट की साइड पे और एक डीएम जो कि यहाँ पे इंडिया में बैठा हुआ है और वो उसको मैनेज कर रहा है सारी चीज़ों को, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीपी क्लाइंट की सारी नीड्स को समझता है। अब क्लाइंट कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, क्लाइंट नहीं कॉग्निजेंट फ़ोन करके कह रहा 2 बजे रात के कि ये कर दें, ये सही तरह नहीं आपका सिस्टम ऑपरेट हो रहा, ठीक है, जहाँ ये जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है ये तो मैंने कहा ही नहीं था। अब कॉग्निजेंट का अपना बंदा जो कि सीपी है वो डीएम के साथ डिलीवरी मैनेजर साथ इंटरेक्ट कर रहा है और सारी नीड्स और वांट्स जो क्लाइंट्स हैं उनके मुताबिक चेंजेस इनकॉर्पोरेट करवा रहा है, ठीक है। सो इट हैज़ बिकम मच मोर ईजियर नाउ और क्लाइंट की जो है वो वरीज भी ख़त्म हो गई हैं, क्लाइंट हैज नॉट डज नॉट नीड्स टू वरी एनी मोर अबाउट सच चेंजेस और सच और प्रोग्रेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसकी प्रोग्रेस के बारे में, उसमें चेंजेस जो इनकॉर्पोरेट करनी है, जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, इनके बारे में आप क्लाइंट वरी नहीं कर रहा, ठीक है। दिस इज अ मेजर चेंज द वे द अदर इंडियन कंपनीज यूज टू ऑपरेट एंड द वे द कॉग्निजेंट इज ऑपरेटिंग, ठीक है। अब जनरली वो कहते हैं ये सीपीज जो थे दे वर बेसिकली एमबीएस विद कंसल्टिंग और इंडस्ट्री बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस हैंडलिंग आईटी सर्विस रिलेशनशिप्स। DMs जो थे दे टेंडेड टू हैव स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड्स एंड वाइड रेंजिंग एक्सपीरियंस डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर एंड मैनेजिंग टेक्निकल टीम्स। फॉर लार्ज स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स कॉग्निजेंट ऑफन पेयर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स विद द क्लाइंट टीम मेंबर्स। वन सीनियर कॉग्निजेंट एग्जीक्यूटिव माइट वर्क विद द क्लाइंट CIO, फॉर एग्जाम्पल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फॉर एग्जाम्पल अनदर विद वाइस प्रेजिडेंट ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड द पेयरिंग कुड बी एक्सपेंडेड टू अकोमोडेट ऑल ऑफ द क्लाइंट एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर्स। ऑन अकाउंट्स फॉर विच मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीपीज वर असिस्टेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु ओवरसॉ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स एंड पेयर द क्लाइंट काउंटरपार्ट्स इन की फंक्शनल एरियाज। अब देखिए ये सिर्फ एक ही सीपी और डीएम पे लिमिटेड नहीं थी ये चीज़, अगर प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स था तो नंबर ऑफ सीपीज और प्रोजेक्ट मैनेजर्स असाइन किए जा सकते थे, ठीक है, नंबर ऑफ पेयरिंग्स हो सकती थी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ एक कॉग्निजेंट का अलहदा टीम मेंबर काम करता था और इसी तरह जो सीनियर कोई मैनेजर है कॉग्निजेंट पे इंडिया में उसको उसके साथ एक और मेंबर अटैच किया जाता था जो कि उन दोनों के इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करता था, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहता है इट कैन बी नंबर ऑफ सीपीज एंड डीएम्स ऑपरेटिंग एट क्लाइंट एंड दी कंपनी साइट, ठीक है, और अगर बहुत सारा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी असाइन किए जाते थे जो इस सब चीज़ों को लुक आफ्टर करते थे। TIB was a model with a built-in code of conduct that defined what can, what and could be done, what could and could not be done by the TIB partners. Team chemistry and relationships within the box were considered crucial to success and finger-pointed was to avoid it at all times. अब देखिए वो कहता है जी इसका philosophy TIB का क्या था कि this was a teamwork effort और इसमें किसी एक दूसरे को blame नहीं किया जा सकता, finger-pointed नहीं की जाती थी, और उसका मकसद क्या था ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो और प्रोसेसेस पे और काम पे फोकस किया जाए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो प्रोसेसेस पे और काम पे फोकस किया जाए ताकि प्रोजेक्ट्स को बेहतर अंदाज में और आसानी से कंप्लीट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मैनेजर्स मिस्टर मेहता TIB ऑल्सो रिड्यूस रिस्क and typical services firms such as consulting companies when a head partner goes he or she leaves with the entire set of relationships for us TIB ensures that even if one of the two in the box left the relationship still had an anchor. ab dekhiye wo kehta ji ke TIB ka ek aur fayda kya tha ki agar koi kuch employees agar chhod dete the job
there one or two employees left the company, still the relationship remained intact because the number of the people, because for an important project, they used to assign number of people who used to work as CPs and DMs, ठीक है? और एक कोई ना कोई लिंक बाकी रहता था. सुमित्रा गोमाटाम, she was vice president for software testing. उसने 1995 में Cognizant join की and she was also responsible for the offshore component of TIB for the business and she designed her comments about the system are in 1996 as we switched from being a captive operation for DNB business service provider, we felt that need to have a strong on-site team to manage our client relationships and leverage the delivery expertise that we had built back in India. Initially, I used to make six trips in a year to a client site in San Francisco to participate in business development project startups, periodic reviews and acceptance. All this changed with TIB. On-site staff was on top of things and they were keyed into client requirements constantly. There is a strong consultative role played by on-site folks to help coordinate and help sell the role out of software delivery successfully. Thus, they knew the client side as well as the offshore side, enabling them to make quick decisions. Clients like that. Clients want transparency and do not want to make micromanage offshore resource. TIB facilitates that. देखिए सुमित्रा जो है जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट है और टीआईबी के प्रोसेस को लुक आफ्टर कहती है, वो कहते हैं जिसके फ़ायदा क्या है, वो कहती है इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये हुआ कि जी के अब मुझे साल में 6 ट्रिप्स क्लाइंट की साइट पे नहीं लगाने पड़ते और मुझे जा जा के डिस्कशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि ऑन साइट टीम जो है वो इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर करती है और हमें टाइमली इन्फॉर्म करती है चेंजेस का और हमें टाइमली इन्फॉर्म करती है क्लाइंट्स की नीड्स का और हम उनको टाइमली इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और बेहतर तौर पर चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है. इसी तरह बहुत सारे और जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनका भी यही ख्याल था कि टीआईबी ने एक मेजर रोल अदा किया है उनके बिजनेस को ग्रो करने में, ठीक है. जो टीआईबी का कॉन्सेप्ट है, दिस हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड द कॉग्निजेंट टू ग्रो रैपिडली. एट एन ऑपरेटिव लेवल शाहीन फाउंड अनदर सीनियर मैनेजर द टीआईबी हेल्प्ड हिम मैनेज हिज ऑन साइट टीम बेटर. TIB also led clients to perceive Cognizant on-site professionals and integral to client teams and acknowledged that they had a role to play in keeping the Cognizant offshore teams properly informed, engaged and motivated. For example, savvy in clients often wanted Cognizant to brand their work areas that Cognizant offshore team used to execute for the client and to provide incentive structures for these teams as a way to motivate Cognizant professionals. This is a war for talent everywhere, remarked Shaheen. This is where TIB helps. Similarly, Chief People Officer of Cognizant had these sorts of comments. While both on-site and offshore managers have the common goal of meeting client expectations, how it translates into their day-to-day responsibility can be different, sometimes even conflicting. For example, an offshore manager has to manage career aspirations of associates who want to move to higher roles and work with emerging technology. In contrast, the on-site manager has to deal with client who wants the same Cognizant team on his project forever to ensure continuity. The TIB model ensures that both managers look for optimum solutions and win-win results. अब देखिए उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का ये ख्याल है कि TIB model basic model है या एक very vital model है for the success of business philosophy of the Cognizant, but at the same time it has some problems. For example, वो लोग जो कि on-site काम करते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो भी वापस आए, मेन कंपनी का पार्ट बने ताकि उनको पता लगे कि वो ग्रो कैसे कर सकते हैं, उनके लिए फर्दर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं. दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज द ऑन साइट मैनेजर्स फेस के अपनी टीम को मोटिवेटेड कैसे रखना है. मे बी आफ्टर सम टाइम दे आर शिफ्टेड बैक टू इंडिया टू वर्क एज पार्ट ऑफ द मेन टीम्स और मेन कॉग्निजेंट एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करने का उनको मौका दिया जाता है. बट दिस देयर वाज अ प्रॉब्लम, जो क्लाइंट्स थे वो उन एम्प्लॉयज़ को अपनी साइट्स पे ही रखना चाहते थे ताकि कंटिन्यूटी रहे, उनकी उनको आदत पड़ जाती थी, वो उनको लूज़ नहीं करना चाहते थे, ठीक है. तो इसके दोनों रुख हैं.
कि जहाँ दे आर मच वांटेड, उनकी वहाँ जो US कॉरपोरेशंस हैं, जो इंडियंस वहाँ पे पोस्ट किए जाते थे, जहाँ वहाँ पे ऐसा CPs वर्क करते थे, दे डिडंट वांटेड टू लूज देम, वो चाहते थे कि वो हमेशा उन्हीं के साथ काम करें. एट द सेम टाइम उन एम्प्लॉयज़ की ख्वाहिश ये भी होती थी कि वो वापस मेन कंपनी में जाएँ और नई टेक्नोलॉजीज पे काम करें और देखें कि एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं. अब देखिए, इस चीज़ को बेहतर तौर पर रन करने के लिए अब उन्होंने देखा कि जी कि उनके भाव, उन्होंने कहा कि जी कि हम एक कंसल्टिंग कंपनीज भी बना सकते हैं. उन्होंने कहा जी कॉग्निजेंट बिजनेस कंसल्टिंग CBC, दे केम विद एन आइडिया ऑफ CBC इन 2002. डिसूजा ने कहा कि डिसूजा के ख्याल में, जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसका ख्याल में कि इसकी रीजंस क्या हैं, उसने कहा जी वी हैड गुड एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, वी वॉन्टेड टू लीवरेज आर एक्सपर्टीज इन एंगेजिंग क्लाइंट्स एंड ऑल लेवल ऑफ at all level of discussion of business problems to enhance our downstream revenue from IT services. उसे देखा जी कि with time they had developed lot of knowledge about different businesses, like उन्होंने अपने verticals create किए थे, finance, healthcare, media, telecom, ठीक है, importance businesses के basis पे अपनी company का segment किया था. तो with time they have increased their knowledge of how the industry, industry operates, like for example how financial services operate, how healthcare systems operate in US, ठीक है, how banking system operates in US, how media operates in US. So they had, with time they had developed in depth knowledge of these different industries, ठीक है, और उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी पता लग गया कि हर इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो कि फॉलो की जाती हैं. तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस नॉलेज बेस, दे केम अप विद एन आइडिया टू एस्टेब्लिश कॉग्निजेंट बिजनेस कंसल्टिंग. उसके लिए उसने प्रोसेस इस्तेमाल किया, उसने मैकेंजी से, कुछ वेटरन मैकेंजीज के, कुछ जो इंडियन ओरिजिन के लोग जो मैकेंजी के लिए काम करते थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुशिक भूमिक जो था, जो कि हेड ऑफ कंसल्टिंग था मैकेंजी में, उसको कॉग्निजेंट में लेके आए, ठीक है, और उसको कहा कि जी कि आप स्ट्रक्चर करें और कॉग्निजेंट के लिए सक्सेसफुल ये एक सब्सिडरी डेवलप करें, कॉग्निजेंट बिजनेस कंसल्टिंग को डेवलप करें. आप जो भूमिक था, उसने आके जो है उसने इसको रीस्ट्रक्चर किया, और उसने बेसिकली इसको रीस्ट्रक्चर ऐसे किया वर्टिकल्स के लिए, वर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और उसने एक ड्यूल स्ट्रक्चर क्रिएट किया. उसने क्या किया कि जी के उसने द ग्रुप एंड द डिजाइनिंग कैरियर पास किस तरह किए, वाइल रिटेनिंग एग्जिस्टिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, दिस मेंट दैट द कंसल्टेंट्स अटैच टू ईच ऑफ द वर्टिकल्स had dual reporting structures, first to the vertical business head and second to the head of consulting, ठीक है. उसने जो ये consultants, उसको रीस्ट्रक्चर किया या CBC को ऑर्गेनाइज किया, तो उसने इस तरह किया कि जो भी लोग, जो consultants जो CBC के लिए काम करते थे, वो dual report करते थे, dual reporting करनी पड़ती थी उनको, ठीक है, CBC के head को भी और verticals के head को भी responsible थे. In 2006 the division structured like a consulting firm with principals, senior managers and managers who worked on site and associates who worked off site and was renamed Cognizant Business Consulting. In 2007, by 2007 CBC employed some 1700 consultants. In 60% of cases clients first contact with Cognizant was through CBC. Ab CBC established ho gaya as a business consultant aur bahut sare clients jo the wo Cognizant ki facility se fayda uthane ke liye ya Cognizant ki services ko istemal karne ke liye unka first point of contact kya hota tha, CBC को कॉन्टैक्ट करते थे. CBC उनकी प्रॉब्लम्स को, जब उनकी सिचुएशन को एनालाइज करती थी, और इस एनालिसिस के बाद वो फिर उनको बाकी की IT सर्विसेज या बाकी की कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है. देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि जनरली हमने कहा जी कि हमने ये देखा कि Cognizant का बेसिक एम ये था कि वो अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहती थी, और उनका ये ख्याल था जो लेट से TVD जो थी वो Cognizant के वन ऑफ द ऑन साइट मैनेजर्स थी, एंड दे बिलीव्ड के जी के आई बिलीव दैट सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स आर गवर्न्ड बाय पीपल एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. आई टेल माय वेंडर्स नॉट टू कोट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल वर्किंग विद मी. इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट वी नो इट इज़ नॉट वर्किंग. मैनी वेंडर्स आर स्टिल
still contract driven. What the vendor would do depends on what the contract says, but Cognizant is different. They always ask what we want and what needs to be done. That is why it is like a 4-year honeymoon. Our relationship is worth $6 million annual billing, up from $1.5 billion when we started in 2003. देखिए एक manager जो कि particular company को look after करता था US company के, उसने कहा जी कि देखिए कि हमारी philosophy जो है relationship based है, हम contract based नहीं है. हम ये नहीं देखते कि contract क्या sign हुआ और contract के मुताबिक हमें क्या काम करना है, बल्कि हम ये देखते हैं कि clients की needs क्या हैं, वो कैसे change हो रही हैं, उसके मुताबिक हम ओवर द ईयर्स क्लाइंट को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए वो कहता जी कि हमारी रिलेशनशिप जो है टाइम के साथ स्ट्रांग होती है, और हमने अगर एक कंपनी के साथ लेट्स से फॉर एग्जांपल 1.5 मिलियन से बिजनेस शुरू किया तो नाउ इट्स वर्थ $6 million पर एनम. सिमिलरली कैली क्लार्क, चीफ CIO और चीफ ऑफिसर ऑफ एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सब्सिडरी ऑफ यूनाइटेड हेल्थ केयर, corroborated Trivedi assessment. और उसने कहा जी कि वाकई जो है ये Cognizant के साथ काम करना इंतहाई फ़ायदेमंद है और mutually beneficial relationship create होती है. ठीक है, तो बहुत सारे जो clients थे they were much happy the way the Cognizant was operating business. ठीक है, लेकिन with time technologies improve होती हैं, with time चीज़ें change होती हैं. अब देखिए कि टाइम अब ये हो गया, जब अब चेंज कैसे इनकॉर्पोरेट हुई कि विद टाइम टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई. अब देखें फेसबुक आ गई है, पहले फेसबुक नहीं होती थी, सोशल वेबसाइट्स या सोशल नेटवर्किंग साइट्स अवेलेबल हैं, अब वो सर्टेन टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं. जब ये टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई तो Cognizant ने ये फील किया कि हम भी अपना मैकेनिज्म चेंज कर सकते हैं, हम भी इस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. अब 2007 में Cognizant ने ये फील किया कि जी कि टेक्नोलॉजी को चेंज करने की ज़रूरत है और उसकी रीजंस क्या हैं, और एक ग्लोबल डिलीवरी मॉडल क्रिएट किया जा सकता है. उसने कहा जी कि ये ग्लोबल आईटी में जो आईटी की टेक्नोलॉजी इटसेल्फ चेंज हुई है, उसकी वजह से हम ये चेंजेस ला सकते हैं. उसने कहा जी डीकपलिंग ऑफ वर्क एंड जियोग्राफी, उसने कहा जी ग्लोबली जो चेंजेस हो रही हैं वो क्या है कि बिजनेस प्रोसेसेस वर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड स्टैंडर्ड पार्ट्स दैट कुड बी परफॉर्म्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड टैलेंट अवेलेबिलिटी. अब देखो कह रहे जी कि बिजनेसेस में चेंजेस क्या आ रही हैं कि आप ज़रूरी नहीं कि एक काम एक ही जगह पे करें. अब आईटी पर्टिकुलरली आईटी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा जी कि प्रोसेसेस को स्मॉल पार्ट्स में डेवलप किया जाता है, डिवाइड किया जा सकता है, और ऑन द बेसिस के टैलेंट कहाँ पे अवेलेबल है वो ग्लोबली कहीं भी लोकेटेड हो सकता है और हम वो काम वहाँ से करवा सकते हैं. लेट से एक पर्टिकुलर पार्ट, अगर एक जावा प्रोग्रामर अच्छा चाइना में बैठा है तो जावा प्रोग्रामिंग वो कर सकता है, एक डाटा बेस डेवलपर अगर इंडिया में बैठा है तो डाटा बेस डेवलपमेंट वो कर सकता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही काम किया जाए, डिफरेंट लोकेशंस पे सेम काम सिमिलर काम को पार्ट्स में डिवाइड करके किया जा सकता है और फिर उसको दोबारा वेल डिफाइंड कोड्स के थ्रू इंटीग्रेट किया जा सकता है. मोबिलिटी ऑफ नॉलेज, इंटरनेट allowed almost instantaneous constant delivery, a development that allowed Cognizant to focus not only on cost but knowledge arbitrage. With knowledge flowing freely around the globe and unstoppable in absence of communication barriers, cost arbitrage might give way to intellectual arbitrage. अब देखिए वो कह रहे जी कि mobility of knowledge क्या है कि अब knowledge जो है वो geographic specific नहीं है. ठीक है, internet की वजह से या internet technologies की वजह से कॉस्ट इज़ नॉट वन ऑफ द बेसिक कंसिड्रेशंस. अब ये टैलेंट जो है वो ग्लोबली अवेलेबल है, ये नॉलेज जो है ग्लोबली रेस्ट करता है और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. ठीक है, वेब 2.0 ये एक नया नेटवर्क सेंट्रिक आर्किटेक्चर है दैट अनेबल्स पीपल टू कम टुगेदर वर्चुअली टू शेयर आइडियाज एंड डिल्ड इन सोशल नेटवर्किंग. Examples of consumers collaborating in groups to create content included Wikipedia, YouTube and podcasting. देखिए वो कहते जी एक और जो चेंज थी वो ये थी कि वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी और जिनकी वजह से आप बहुत जो वर्चुअली टीम्स क्रिएट हो सकती हैं, वो डिफरेंट रिमोट लोकेशन से वर्चुअली एक दूसरे से मिल सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपने
राय दे सकते हैं, अपने टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कहते हैं लाइक विकिपीडिया फॉर एग्जांपल, यूट्यूब एंड पॉडकास्टिंग. सेकंड वर्क, वर्चुअल वर्क एनवायरनमेंट दैट एक्सप्लॉइटेड टेक्नोलॉजीज सच एज वेब 2.0 टू क्रिएट कम्युनिटीज ऑफ कोलीग्स वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग नॉलेज वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर. सेकंड वर्क ड्यू अपॉन सेकंड इन इंटरनेट बेस्ड 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट that was open to public in 2003. The technology enabled users to create communities and even transact business by creating their own virtual offices, relying on the collective intelligence of the user community to create powerful ecosystem to solve specific business problems. अब देखो कहते हैं जी कि अब बिजनेसेस का वे द बिजनेसेस आर बीइंग डन इज चेंज ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है, 3D एनवायरनमेंट और वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए आप वर्चुअल बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्चुअली आप डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. गोइंग ऑटोमेटिकली ग्लोबल, आप इस चीज़ों को देखते हुए कॉग्निजेंट वॉज प्लानिंग टू बिकम ऑटोमेटिकली ग्लोबल, एबल टू डिवाइड क्लाइंट टास्क इन स्मॉल कंपोनेंट्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड डिपेंडिंग ऑन वेयर दे कैन बी बेस्ट परफॉर्म्ड. अब ये इन चेंजेस को या इन एनवायरमेंटल चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए कॉग्निजेंट ने यह फ़ायदा किया कि उसको भी ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाना चाहिए. क्लाइंट के टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और उनको मल्टीपल लोकेशंस पे किया जा सकता है, या उनको मल्टीपल लोकेशंस पे डेवलप किया जा सकता है जहाँ पे बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड. अब देखिए ये एक मेजर चेंज है. देखिए पहले वो किसी और मैकेनिज्म के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में, ठीक है, ऑन साइट टीम्स ही वो ऑफशोर टीम्स के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, बेहतर तौर पे इंप्लीमेंट कर रही थी चीज़ों को, लेकिन उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी 2003 के बाद आईटी टेक्नोलॉजी रैपिडली एडवांस हो रही है. जब आईटी टेक्नोलॉजी रैपिडली एडवांस हो रही थी, इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी इन्वायरमेंट में कि वो भी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें कॉग्निजेंट के लिए, जिसके थ्रू जो कॉग्निजेंट की कम्युनिटी है वो बेहतर तौर पर आपस में इंटरेक्ट कर सके, काम को वर्ल्ड वाइड बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट किया जा सके. ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कॉग्निजेंट ने एक नेक्स्ट जनरेशन डिलीवरी मॉडल डिज़ाइन किया दैट वाज डिस्क्राइब्ड और दैट वाज लेबल्ड एज कॉग्निजेंट 2.0 एंड दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज इंटेलिजेंट डिलीवरी इकोसिस्टम टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स. अब कॉग्निजेंट 2.0 क्या है? This was a delivery platform Cognizant developed to provide high quality IT services at low cost using the web 2.0 technology. और इसके कुछ main four elements क्या थे, इसके advantages क्या थे? Real time knowledge management. See to emphasize the right knowledge at the right time to the right problem. Shifting from reliance on a static company-wide database to technologies aimed at capturing the 80% of cognizant knowledge resident in an employee heads and desktop. Thus, C2 would make knowledge specific to a given situation available from individuals who possessed it wherever they might physically be located. A real-time knowledge management system tha ye. Wo kehta ji C2 emphasize right knowledge at the right time to the right problem. कहते जी इसके बजाय कि पहले जो क्या होता था कि स्टैटिक नॉलेज था, डाटा बेसिस में, कंपनी डाटा बेसिस में नॉलेज एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब इस जो वर्चुअल टीम्स की वजह से या इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से दे कुड टैप इनटू द हैंड ऑफ देयर एम्प्लॉयज और इनटू द टैलेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज. ठीक है, कि वो एक वर्चुअल टीम्स क्रिएट हो गई, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया, तो अगर वो उसमें ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स में एक प्रॉब्लम को डिस्कस करें तो चाइना से एक एम्प्लॉय भी शेयर कर सकता है, दुबई में बैठा हुआ एक एम्प्लॉय भी अपने आइडियाज शेयर कर सकता है, ईस्टर्न यूरोप में बैठा हुआ एम्प्लॉय भी अपने आइडियाज शेयर कर सकता है, और इंडिया में बैठा हुआ अपना एम्प्लॉयज़ भी आइडियाज़ को शेयर कर सकता है, जो सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है. रियल टाइम वर्क फ्लो, the model prescribes the use of collaborative technology platform to capture actual workflow in real time using software dashboards available to all project participants. The CPs and DMs could use these dashboards to track the progress of the globally dispersed teams working on it. Ab dekhiye wo kehta hai ki is nayi technology ki wajah se real time workflow tha. CPs aur DMs jo the wo is platform ki madad se online इन चीज़ों को एवेल्यूएट कर सकते थे और देख सकते थे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो उनके प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है वो किस हद तक किया जा रहा है, किस तरह किया जा रहा है, क्या राइट सॉल्यूशंस डेवलप हो रहे हैं या नहीं, वो रियल टाइम में ये चीज़ें देख सकते थे.
रियल टाइम प्रोग्रेस गाइडेंस, और एट द सेम टाइम जहां वो इन चीज़ों को रियल टाइम में देख सकते थे, जहां इन चीज़ों को रियल टाइम में डेवलप होता एवेल्युएट कर सकते थे, वो गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते थे, चेंजेस भी सजेस्ट कर सकते थे, और रियल टाइम कोलैबोरेशन। द सी टू फ्रेमवर्क एनकरेज नेचुरल कोलैबोरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सी टू कम्युनिटी हु वर इंटरेस्टिंग इन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग अ फोरम टू सिलेक्ट टू सॉलिसिट इनपुट एंड आइडेंटिफाई एक्सपर्ट्स ऑन दोस प्रॉब्लम फ्रॉम अक्रॉस द फर्म। और रियल टाइम कोलैबोरेशन के सेंस में हो रही थी कि जो अक्रॉस द फर्म जो टैलेंट अवेलेबल था वो इस प्रोसेस में पार्ट बन सकता था और उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि कहाँ कौन सा एम्प्लॉय है जो ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है ऑनलाइन। ठीक है, अब देखिए फ्रैंक जो वन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स है कॉग्निजेंट का, वो कहता है जी कि सी टू जो है दैट प्रूव टू बी द फ्यूचर ऑफ द कंपनी और दैट वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से वो क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। The clients facing Cognizant on-site project management usually work with one or more business analysts in US and India. These analysts were experts in client business segments and kept abreast of best practices in the business. They were also knowledgeable about which technologies could be used to solve particular problems. In Frank's example, the client facing Cognizant worked with business analysts in Shanghai with programming and other system capabilities located in Chennai. In stage one, the US team gathered high level inputs from clients. In stage two, it mined the community collective knowledge to determine how to execute the project according to a step by step checklist used to guide the project through its various stages. In stage three, the business analyst in Shanghai searched the community and found a solution that will work for the client. In stage four, developers in Chennai used a combination of reusable modules and help from the community to develop and deliver prototype solution. Finally, in stage 5, the US Cognizant team reviewed the prototype and matched it against the client needs and determined a future course of action. ये कह रहे हैं अब काम कैसे चेंज हो रहा है। देखिए स्टेज वन में जो US ऑन साइट टीम है उसने कुछ नीड्स आइडेंटिफाई किए कि एक्चुअली क्लाइंट किस किस्म के सोल्यूशन चलाता है। स्टेज टू में जो कम्युनिटी का कलेक्टिव नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट डेवलप की या गाइड डेवलप की कि इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। स्टेज थ्री में जो शंघाई में उनका ऑफिस था जो बिजनेस एनालिस्ट बैठे हुए थे उन्होंने कम्युनिटी की मदद से सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जो कि क्लाइंट्स को फिट कर सकते हैं। स्टेज फोर में चेन्नई में जो डेवलपर्स थे उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स की मदद से और जो उन्होंने एनालिसिस किया था उसको मद्देनजर रखते हुए क्लाइंट के लिए कोई सोल्यूशन डेवलप किया। अगेन स्टेज फाइव में US बेस्ड टीम ने उस सोल्यूशन को चेक किया और देखा कि ये प्रोटोटाइप जो है एक क्लाइंट्स की बिजनेस नीड्स के मुताबिक है भी या नहीं। सेंट्रल एलिमेंट जो सी टू के लिए था वो ये था कि वर्चुअल कम्युनिटी ने अपने ब्लॉग्स क्रिएट किए एंड द ब्लॉग्स हेल्प्ड क्रिएट डिसिमिनेट एंड मैनेज द नॉलेज ऑफ कॉग्निजेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, देखिए इसकी मदद से उन्होंने कहा जी कि बेसिकली उन ब्लॉग्स की मदद से बहुत सारे वो सोल्यूशंस क्रिएट कर सकते थे। और जब उन्होंने ये देखा, जब एम्प्लॉयज ने देखा कि दे आर सीरियस ब्लॉग्स दे स्टार्टेड जंपिंग इन एंड स्टार्टेड शेयरिंग द नॉलेज विद द कम्युनिटी और विद द or with the Cognizant community. For example, people posted queries regarding the client projects. For instance, those with interest in Java programming started their own blog and began sharing their troubles and triumphs with Java. With such a large Java community within Cognizant, there was a good chance they would get their answers that has been proven true. They were saying blogs, like for example, jo log Java pe kaam karte the, unhone apna ek blog create kar liya. और अपने प्रॉब्लम्स को उधर वहाँ पे आइडेंटिफाई किया उस ब्लॉग में, जब पोस्ट किए अपनी प्रॉब्लम्स और जो जावा प्रोग्रामर्स थे उन्होंने दे स्टार्टेड पोस्टिंग सॉल्यूशंस। अब देखिए इसकी मदद से दे स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग द टैलेंट्स जिसके बारे में पहले उनको पता नहीं लगा था। फॉर एग्जांपल दे फाउंड कि एक यंग जावा एक्सपर्ट हु वाज टेरिफिक और जो हाँ टफ से टफ जावा क्वेरीज भी आंसर कर सकता था, वो उनको उन्हें पता लगा कि ये कौन है, कहाँ है, किस ऑफिस में काम करता है। सिमिलरली दे डिस्कवर्ड अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन चेन्नई विच हैड अ फ्लेयर फॉर राइटिंग एंड हु देन मूव्ड इनटू कॉर्पोरेट मार्केटिंग। सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट मैनेजर चेन्नई में आइडेंटिफाई किया जो कि बहुत एक्सपर्ट था राइटिंग में, उन्होंने कहा जी कि इसको कॉर्पोरेट मार्केटिंग टीम का पार्ट बनाया जा सकता है।
तो इसकी मदद से उन्होंने अपने हिडन टैलेंट भी आइडेंटिफाई हुए, एक ब्लॉग्स क्रिएट हो गए जहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो कॉग्निजेंट के एम्प्लॉयज़ थे वो डिफरेंट क्लाइंट प्रॉब्लम्स पे अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे, ठीक है, और बड़ी ईजिली सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई होना शुरू हुए इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए, या वेब 2.0 टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए. अब जो क्लाइंट्स थे उनके क्या इस टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी क्या राय थी. देखिए बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे वो इस टेक्नोलॉजी से बड़े खुश थे, बड़े हैप्पी थे इस चेंजेस से, और कुछ के खदशात भी थे इस बारे में. फॉर एग्जांपल क्लैरी क्लार्क जो कि यूनाइटेड हेल्थ केयर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी, उसने कहा जी कॉग्निजेंट इज प्लानिंग टू गेट सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स बाय वर्किंग इट्स पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन दिस एग्रीगेटेड कस्टमर प्रॉब्लम्स. वी हैव सीन इट हैपनिंग a bit in healthcare where consumers surf the net to acquire knowledge and best practices in testing specific ailments, in treating specific ailments in areas of consumer-driven preventive healthcare. But one of the people from AstraZeneca believes C2 needed an environment where people felt comfortable working remotely with professionals belonging to different geographics and cultures. He was concerned that an organization culture needed to exist that would seek to adopt practices and solutions from other professionals from across the globe. Without such a culture in place, the value of C2 might not be fully recognized and the platform might fail. अब देखिए कुछ जो लोग थे उनका क्या राय थी, या कुछ उनके कस्टमर्स थे या क्लाइंट्स थे उनकी क्या राय थी. फॉर एग्जाम्पल क्लैरी क्लार्क जो थी जो कि यूनाइटेड हेल्थ केयर से थी, उसका ख्याल था कि दिस इज़ अ गुड आइडिया इन अ सेंस के हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हेल्थ केयर में इन पर्टिकुलरली जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं जहाँ कम्युनिटी जो है वो आपस में आइडियाज़ शेयर करती है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकती है. लेकिन कुछ मैनेजर से उनका खदशा था, वो कहते हैं जी कि डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया से लोग ये आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो उनमें ये कॉन्फिडेंस कैसे डिवेलप किया जा सकता है कि वो कंफर्टेबली या एक कैसे एक ऑनलाइन वर्चुअल कल्चर डेवलप किया जा सकता है वो कि वो कॉन्फिडेंटली एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें, ठीक है. तो दिस प्रॉब्लम स्टिल नीडेड और दीज वर सर्टन प्रॉब्लम्स लाइक एक कॉमन कल्चर नहीं है, डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया से लोग बिलोंग करते हैं, तो वो कैसे कोहेरेंटली एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, ना वो कैसे एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस डिवेलप किया जा सकता है. Similarly, Frank का ख्याल था there are clear signs that people are getting more comfortable being part of virtual teams. It is not a question of whether, but only when this distributed computing environment becomes the dominant model for us to manage future growth. वो कहता जी कि अब there is no question कि यही model future में use होगा, ठीक है, और teams आहिस्ता आहिस्ता develop हो जाएंगी. C2 will help us to globalize at much faster rate and manage global delivery centers efficiently. It gives us ability to scale up our resources without having to do everything at one place. In a talent-constrained environment, this will ensure that we have the human resource to take advantage of growth opportunities that we uncover. We hope that a community-based approach to knowledge management will enhance our ability to solve client problems by scaling up our consulting abilities. With C2 to solve client problem, we will have technology and talent groups within the community that will point us to the right solution and locate the right people to the work on solution. Also, we have broken down the problem into small pieces. C2 will help us track or will help us keep the track of overall progress being made in delivering the solution to the customer. अब देखिए फ्रैंक का ये ख्याल है कि दिस इज़ द फ्यूचर फॉर द कंपनी. ये वो टूल है जिसकी मदद से कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी. कहते इसकी नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं कि एक टैलेंट स्केयर एनवायरनमेंट में, लाइक हमने कहा जी इंडिया में भी दे आर फेसिंग नाउ शॉर्टेज ऑफ IT टैलेंट, ठीक है, उसकी बड़ी रीजंस हैं. बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज हैं वो इंडियन टैलेंट के पीछे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टैलेंट हैज़ बिकम स्केयर्स, ठीक हैज़ बिकम एक्सपेंसिव टू दे आर डिमांडिंग हाई सैलरीज नाउ, ठीक है. इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हम सारा काम इंडिया में करें, हम चाइना में भी टैलेंट को टैप कर सकते हैं, हम ब्राज़ील में भी टैलेंट को टैप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मे बी पाकिस्तान से भी टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो जाए, ठीक है. लेकिन देखिए वो कहते हैं जी कि इससे ना सिर्फ हम टैलेंट या अपने नॉलेज को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं, बल्कि हम बेहतर सोल्यूशन और राइट टाइम पर
और राइट टाइम पे राइट पीपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेहतर सॉल्यूशन जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें, डिसूजा जो था वो वेल अवेयर था कि कॉग्निजेंट अपने बिजनेस मॉडल की वजह से टेक्नोलॉजी कर्व में दूसरी इंडियन कंपनीज के मुकाबले में बेहतर पोजीशन रखती है, लेकिन वो मज़ीद फर्दर कॉग्निजेंट को डेवलप करना चाहता था और उसके लिए उसका ख्याल था कि C2 जो है वो ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से फर्दर बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, एफिशिएंटली ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कि इस केस स्टडी से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं, इस केस स्टडी में हमने किन चीज़ों पे गौर किया है, जो हमने किन चीज़ों का एवेल्यूएट किया। हमने ये देखा है कि जी के जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं वैसे वैसे बिजनेसेस अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं, अपने वे दे डू द बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए पहले जो एनवायरमेंट थे उसके मुताबिक इन्होंने टू इन अ बॉक्स फिलॉसफी लेके आए। टू इन अ बॉक्स फिलॉसफी क्या थी कि जो इंडियन कंपनीज थी बेसिकली वो वेंडर्स के तौर पे एक्ट करती थी और एक आर्म डिस्टेंस रखती थी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन कंपनीज, लेकिन इसके मुकाबले में कॉग्निजेंट ने क्या किया, ऑन साइट टीम्स एलोकेट की और ऑफशोर टीम्स भी अवेलेबल थी। ऑनलाइन टीम्स क्लाइंट पार्टनर्स वहाँ पे अवेलेबल होते थे और यहाँ पे डिलीवरी मैनेजर्स अवेलेबल होते थे और ऑन साइट और ऑफ साइट टीम्स में एक कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग थी। ऑन साइट टीम्स क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती थी और उनको कम्युनिकेट करती थी डिलीवरी मैनेजर्स को, और डिलीवरी मैनेजर्स क्लाइंट पार्टनर्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, सॉल्यूशंस आईटी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस डेवलप करते थे। अब इसका क्लाइंट को भी फायदा था, उसको दे डिडंट हैव द हेडेक कि अब चेंजेस कैसे इनकॉर्पोरेट कराएं, या जो इंडिया में जो टीम्स हैं या इंडिया में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, ये हेडेक अब जो डेवलपर्स थे उन्हीं की थी, जो कॉग्निजेंट इस चीज़ को लुक आफ्टर करती थी। इससे उसकी एक रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग डेवलप हो रही थी। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी उनको फेस करने पड़े थे, फॉर एग्जांपल कि कैरियर पास जो हैं वो कैसे डेवलप किए जाएं। ठीक है, अपने कल्चर को कैसे मेंटेन किया जाए, जो लोग ऑफशोर काम करते हैं उनको एक कल्चराइज कैसे किया जाए कि कॉग्निजेंट का कल्चर क्या है, इसको भी उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने कहा जी कि जो सीनियर एम्प्लॉयज थे जिन्होंने नंबर ऑफ इयर्स के लिए कॉग्निजेंट के साथ काम किया था, दे वो रिस्पॉन्सिबल, वो नए सेंटर्स के इंचार्ज कायम किए जाते थे और हर साल नंबर ऑफ टाइम्स जो हैं जो सी पी क्लाइंट साइट्स पे ऑन साइट टीम्स जो हैं उनको इन्वाइट किया जाता था, ऑफशोर इंडिया में इनवाइट किया जाता था ताकि दे बिकम अवेयर कि कंपनी में क्या प्रोग्रेसेस हो रही हैं और कंपनी का कल्चर कैसे चल रहा है। ठीक है, जब कंपनी में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो अगेन दे उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी, लाइक हायरिंग के लिहाज से इंडियन टैलेंट जो था वो श्रिंक हो रहा था, जहाँ इंडिया में डिमांड इंक्रीज हो रही थी उस लिहाज से टैलेंट की अवेलेबिलिटी कम थी। उसको भी उन्होंने टैकल किया टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं कि हर प्रोसेस या हर काम को इंडिया में ही किया जाए, बल्कि इंडिया से बाहर भी चाइना, मिडल ईस्ट, जहाँ फॉर दैट सेक ईस्टर्न यूरोप, ब्राज़ील, जहाँ भी आईटी टैलेंट की अवेलेबिलिटी है उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या वेब 2.0 टेक्नोलॉजी की मदद से। तो उन्होंने अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, उन्होंने देखा जी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, और उनसे फ़ायदा उन्होंने उठाया और नए डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, बेहतर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स डिवेलप किए। ठीक है, देखिए तो अब हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन पर भी या कुछ चीज़ों पर भी हम गौर कर सकते हैं जब इस केस स्टडी को हम पढ़ रहे हैं या इस केस स्टडी को हम एवेलुएट कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा था जी कि की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, तो देखिए की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या हैं कि इंडिया में वर्ल्ड वाइड आईटी एनवायरनमेंट बड़ी कॉम्पिटिटिव है, कॉम्प्लेक्स है और अनस्टेबल है। ठीक है, जब हमने ये एनवायरमेंटल मॉडल पढ़ा था हमने कहा था जी जनरली आईटी कंपनीज द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं हाई अनसर्टेनिटी में ऑपरेट करती हैं, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बहुत जल्दी आईटी की नीड्स चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और सिमिलरली दे फेस एन अनस्टेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। ठीक है, उस लिहाज से आप देखिए कि इंडिया में कंपटीशन बहुत हाई था, शॉर्टेज क्रिएट हो रही थी आईटी प्रोफेशनल्स की, आईटी टैलेंट की। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड भी कंपटीशन बड़ा टफ था। ठीक
ठीक है, और वर्ल्ड वाइड उनको ना सिर्फ अदर इंडियन कंपनी से कॉग्निजेंट को कंपटीशन फेस करना था, जो अदर इंडियन कंपनीज का मुकाबला करना था, बल्कि उनको जो मल्टीनेशनल्स बड़ी बड़ी कंपनी से उनको उनसे भी कंपटीशन फेस करना था, जिनके अपने क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट्स थी, जो रिलेशनशिप्स बड़ी स्ट्रांग थी, ठीक है, लाइक IBM, एक्वेंचर और EDS। ना सिर्फ इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उनकी उनको कम्पीट करना था, बल्कि अदर इंडियन फर्म्स के साथ भी उस बिजनेस के लिए कॉग्निजेंट को कम्पीट करना था। द एनवायरमेंट वॉज नॉट नॉट सिंपल, इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स, और जो एनवायरमेंटल एलिमेंट्स थे दे वर प्रॉन टू चेंज। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी कॉग्निजेंट ने कैसे अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निजेंट ने क्या किया कि उसने जो टिपिकली इंडियन कंपनीज US मार्केट को जिस तरह एनालाइज करती थी कि बेस्ड ऑन जियोग्राफिक लोकेशंस, कि ये नॉर्थ कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में डिवाइड करती थी, या वेस्ट को द वेस्ट और साउथ में डिवाइड करती थी US मार्केट को, कॉग्निजेंट ऐसा नहीं किया। कॉग्निजेंट ने उनको बिजनेस वर्टिकल्स की बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया, कि फाइनेंस का सेक्टर अलग-अलग, बैंकिंग का सेक्टर अलग-अलग, ठीक है, हेल्थ केयर का सेक्टर अलग-अलग, जो सेक्टर वाइज जब बिजनेस को इंडस्ट्री वाइज जो है आइडेंटिफाई किया, जो सेगमेंटाइज किया अपनी मार्केट को, और फिर उन्हें उसको मजीद प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में फर्दर आइडेंटिफाई की, ठीक है, जब फर्दर सेगमेंट किया, प्राइमरी वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेसेस जिनसे उनको हाई रेवेन्यूज जनरेट हो सकते थे, और सेकेंडरी वर दी लेस इंपॉर्टेंट बिजनेस सेक्टर्स, जहाँ से शायद इतनी बिजनेस ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ठीक है, ताकि वो एक्यूरेटली फोकस कर सकें, जहाँ उनके मैनेजर्स फोकस कर सकें अपने बिजनेसेस पे, जो हाई वैल्यू बिजनेसेस हैं, जहाँ जो ज़्यादा वैल्यूबल बिजनेसेस हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। देन अगेन उनको उनको स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने हॉरिजेंटल स्ट्रक्चरिंग भी की, लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, जावा प्रोग्रामर्स के अलावा, डाटा बेस डिवेलपर्स के अलावा, ठीक है, ERP पे काम करने वालों के अलावा डिपार्टमेंट्स, ताकि वो इन वर्टिकल्स को स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे हैव एन आइडिया कि ऑन साइट टीम्स होनी चाहिए और ऑफ शोर टीम्स होनी चाहिए, बिकॉज दे वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, ठीक है, और वो दूसरे वेंडर्स की तरह एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो दे केम विद टू इन अ बॉक्स आइडिया, और जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें टू इन अ बॉक्स मेंट कि एट एवरी लेवल सीनियर लेवल्स भी टू इन अ बॉक्स फिलोसफी लेके चलते थे, लाइक उनके वाइस प्रेजिडेंट के साथ कॉग्निजेंट का वाइस प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेट करता था, ठीक है, या एक कॉग्निजेंट का एम्प्लॉय जो था अटैच किया जाता था क्लाइंट के वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और वो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उससे इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए या उससे जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र करे कॉग्निजेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, सिमिलरली टू इन बॉक्स में क्लाइंट पार्टनर्स जो थे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते थे, चेंजेस इनकॉर्पोरेट कराते थे, और डिलीवरी मैनेजर्स जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक सोल्यूशन डेवलप करके क्लाइंट पार्टनर्स को देते थे, और क्लाइंट पार्टनर्स उनको इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करते थे प्रोटोटाइप्स को कि वो क्लाइंट्स की नीड के मुताबिक सोल्यूशंस डेवलप किए गए हैं या नहीं किए गए, इनमें कोई फर्दर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या नहीं। तो दिस वॉज वन ऑफ द वेज कि वो इन्वायरमेंट को टैकल फॉर कर रहे थे एक लंबे अरसे के लिए, ठीक है, लेकिन दिस क्रिएटेड सर्टेन टेंशंस। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे IT टैलेंट जो है उसकी शॉर्टेज हो रही थी, जैसे जैसे IT टैलेंट की अवेलेबिलिटी कम हो रही थी, तो दे यूज दे अब नीड थी कि वर्ल्ड वाइड जो कॉग्निजेंट के ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो IT टैलेंट अवेलेबल है उससे फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है, उससे फ़ायदा उठाया जाए उसके लिए दे और अगेन अब ये पॉस नॉलेज को बेहतर तौर पे मैनेज किया जाए, ठीक है, उसके लिए दे और उन्होंने कहा जी कि उसके लिए उन्होंने देखा कि जी कि अब जो इन्वायरमेंट है उसमें डीकपल किया जा रहा है, डीकपलिंग हो रही है कि वे कि आप एक प्रोजेक्ट को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट दुनिया के किसी भी हिस्से में उस सेगमेंट को डेवलप कर सकते हैं, और फिर जो आपके अगर आपने वेल डिफाइंड कोडिफाइड प्रोसेसेस हैं तो आप उसको दोबारा से उस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करके
आपने क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और इनका जी नॉलेज जो है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, मोबिलिटी ऑफ नॉलेज है, जरूरी नहीं कि सारा टैलेंट इंडिया में हो, टैलेंट जो है दुनिया के किसी हिस्से में भी हो सकता है। नॉलेज मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज नाउ मच मोर फिजिबल ऑप्शन। और इनका जी कि ये जो वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, इनकी वजह से सोशल नेटवर्किंग इज पॉसिबल, वर्चुअल टीम्स में काम किया जा सकता है, ठीक है। जो हैं अब उसने देखा वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस जो हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस, वर्चुअल बिजनेसेस बड़ी कामयाबी से बिजनेसेस कर रहे हैं। तो दिस क्रिएटेड अ नीड के अगेन कुछ सिस्टम को चेंज किया जाए बेहतर तौर पे। तो दे केम अप विद एन आइडिया ऑफ कॉग्निजेंट 2.0, ठीक है। और कॉग्निजेंट 2.0 क्या था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ठीक है, एक ऑनलाइन बेहतर तौर पे उन्होंने वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, जिसकी मदद से राइट नॉलेज एट राइट टाइम आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ऑनलाइन ब्लॉग्स में काम किया जा सकता है, और वो देख सकते हैं कि जावा का बेस्ट प्रोग्रामर कहाँ अवेलेबल है, कौन टफ से टफ क्वेरीज को आंसर कर सकता है। मे बी वो चाइना में कोई जावा का प्रोग्रामर बैठा हुआ है, जो चेन्नई में बैठा हुआ है, जो बॉम्बे में बैठा हुआ है, या मे बी कराची में बैठा हुआ है। अगर वो कॉग्निजेंट का एम्प्लॉय है तो उस ब्लॉग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, और क्वेरीज को आंसर कर सकता है, ठीक है। एंड देन अगेन इसकी मदद से उन्होंने ये देखा कि जी के अब जो है रियल टाइम एवेल्युएशन हो सकती है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे काम प्रोग्रेस कर रहा है तो जो क्लाइंट पार्टनर्स हैं वो देख सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या हो रहा है, और वो अकॉर्डिंगली अपनी गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं, जब उनसे एग्री कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ इट्स अ रियल टाइम कोलैबोरेशन इन अ सेंस के जो डिस्पर्स्ड कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो ऑनलाइन रियल टाइम में एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर कर सकते थे इस टेक्नोलॉजी की मदद से। और कॉग्निजेंट जो था वो समझता था कि इसी टेक्नोलॉजी में अब कॉग्निजेंट का फ्यूचर है, इसकी मदद से ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सकते हैं, एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बेहतर तौर पे की जा सकती है, कॉस्ट इफेक्टिवली की जा सकती है, ठीक है, ना सिर्फ बेहतर तौर पे हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सकते हैं बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए इससे आप और क्या लेसन्स आप हासिल कर सकते हैं, आप देखिए हम इससे ये लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, इससे हम ये देख सकते हैं कि बाकी दुनिया भर में और बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो इसी किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने बिजनेसेस को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से, बहुत सारे यूरोपियन अमेरिकन बैंक्स जो हैं उनकी बहुत सारी क्लाइंट की जो नीड्स हैं या क्लाइंट जो बैंकिंग की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया में परफॉर्म की जा रही हैं। आपको प्रोसेस करना हो, आपके क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करना हो, वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जो है वो सेंटर्स अपने कायम किए हैं, ठीक है, जिनको आप कहते हैं कॉल सेंटर्स या डिफरेंट अदर ऑपरेशनल सेंटर्स या डिफरेंट बिजनेस सेंटर्स इंडिया में डेवलप किए हैं, लेकिन वेब 2.0 टेक्नोलॉजी या इंटरनेट या इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की एडवांसमेंट की वजह से वो जो है बड़ी एक्सट्रीम लाइन हो गई चेंज, जो रियल टाइम में वो प्रोसेस टेक प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और रियल टाइम कोलैबोरेशन हो रही है। बिजनेसेस यूरोप में हैं, जब बिजनेसेस जो हैं वो यूरोप में एस्टेब्लिश्ड हैं लेकिन सारी बैक एंड प्रोसेसिंग इंडिया में हो रही है, चाइना में हो रही है, लेकिन दैट हैज़ बिकम पॉसिबल वाई बिकॉज दे आर एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का, आज के ये लेक्चर 9 और 10 का मकसद क्या था कि विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल वी वांटेड टू सी कि एनवायरमेंटल चेंजेस कंपनीज को किस तरह चेंज होने पे फोर्स कर रही हैं, द कंपनीज के स्ट्रक्चर्स, द कंपनीज की टेक्नोलॉजीज किस तरह चेंज हो रही हैं। अगर एनवायरमेंट में बेहतर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं तो कंपनीज उनको यूज़ कर रही हैं, एनवायरमेंट सर्टन अगर कंस्ट्रेंट्स लागू करती है तो कंपनी उनको किस तरह ओवरकम करती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अदर टूल्स अवेलेबल, ठीक है, और कंपनीज अपने आप को कैसे चेंज कर रही है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। और दीज डेज हम देखते हैं कि वर्चुअल टीम्स या वर्चुअल स्ट्रक्चर्स भी कायम किए जा रहे हैं और वर्चुअली भी बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे बिजनेसेस वर्चुअल टीम्स का फ़ायदा उठा के या वर्चुअल टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठा के बेहतर तौर पे अपनी एफिशिएंसी या अपनी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पहले हमने लेक्चर 8 में देखा कि जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर्स को कैसे अफेक्ट कर सकती है, और विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी हमने इसको फर्दर प्रॉप किया और हमने उसको फर्दर स्टडी किया। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन इन लेक्चर 11, बाय, गुड बाय।